बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ऊंचाइयों को छूने वाले आपके बीच के आपके जिले के एक छोटे से बच्चे जिसका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मैं उस बच्चे को उसी के शेर से आवाज देना चाहता हूं कि बहुत रूठी हुई सी जिंदगी महसूस होती है, बहुत रूठी हुई सी जिंदगी महसूस होती है कि अब तो रोशनी भी तीरगी महसूस होती है। मोहब्बत में कोई माँ के मुकाबिल हो नहीं सकता, मोहब्बत में कोई माँ के मुकाबिल हो नहीं सकता। भरा है घर मगर माँ की कमी महसूस होती है। इस कमी को महसूस करके वो बच्चा आगे बढ़ा और आज पूरे हिंदुस्तान में मुसारों में बुलाया जाता है और बड़े इज्जत और एहतराम से सुना जाता है। मेरी मुराद जनाब सुफियान प्रतापगढ़ी साहब है। सुफियान प्रतापगढ़ी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ फरमा सीनियर शुरा इकराम और सदर मुशायरा। आज के इस मुशायरे के मेहमान खास जनाब संजय पांडे साहब। शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम भाई गयास भाई फिरोज भाई और रईस भाई का, जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे छोटे शायर सुफियान प्रतापगढ़ी को इस मुशायरे में इन्वाइट किया। दोस्तों आज ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सबसे पहले मैं कहीं प्रोग्राम में शिरकत किया था तो वो मकई की ही सरजमी है। दोस्तों तालियां बजाइए, आप सबकी तारीफ हो रही है, आपकी दुआओं का नतीजा है। उसके बाद डेरवा देलूपुर के मुशायरे में शिरकत किया था। मैं ज्यादा तमीज नहीं बनूंगा, आइए सीधे सीधे चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। इनायत। बीज नफरत के बोने से क्या फायदा। वाह। बीज नफरत के बोने से क्या फायदा, बीज नफरत के बोने से क्या फायदा, प्यार का दीप हर सू जलाते रहो, प्यार का दीप हर सू जलाते रहो, बीज नफरत के बोने से क्या फायदा, प्यार का दीप हर सू जलाते रहो, बीज नफरत के बोने से क्या फायदा, बीज नफरत के बोने से क्या फायदा, प्यार का दीप हर सू जलाते रहो, तुमको जन्नत मिलेगी यकीनन है सच। वाह। तुमको जन्नत मिलेगी यकीनन है सच, तुमको जन्नत मिलेगी यकीनन है सच, माँ के पैरों को अपने दबाते, क्या बात है, माँ के पैरों को अपने दबाते रहो, अपने दबाते रहो। बहुत खूब। दोस्तों जितनी तालियां अभी आप लोगों ने बजाई है इतनी तालियों में तो बिहारी लोग सुरती फिरते हैं, जरा एक बार यूपी वाली तालियां बजा कर दिखाओ। मैं शेर हाजिर करता हूँ। खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, कौन कहता है भारत हमारा नहीं, खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, कौन कहता है भारत हमारा नहीं, खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, अरे कौन कहता है भारत हमारा नहीं, कत्ली कर दो मेरा मुझको मंजूर है, कत्ली कर दो मेरा मुझको मंजूर है, छोड़ना मुल्क हरगिज़ गवा
बात है, छोड़ना मुल्क हरगिज गवारा नहीं। राज आए गवारा नहीं। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी दो दिन पहले पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें न जाने कितने मासूम बच्चे शहीद हो गए। मैं यहाँ से चार मिसरे हाजिर करता हूँ। आता हूँ। छोड़ कर तेरा दर कहाँ जाए। बहुत खूब। छोड़ कर तेरा दर कहाँ जाए, ऐ खुदा तू ही एक सहारा है। बेशक। ऐ खुदा तू ही एक सहारा है। छोड़ कर तेरा दर कहाँ जाए, ऐ खुदा तू ही एक सहारा है। जुल्म की आधियों को रोक ले अब, जुल्म की आधियों को रोक ले अब, तेरे बंदों ने ये पुकारा है। तेरे बंदों ने ये पुकारा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तालियां एक बार बजाइए। माल्यार्पण किया चाचा जी ने। आप सब बहुत खामोशी से सुन रहे हैं दोस्तों। आइए चार मिसरे और हाजिर करता हूँ, और खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ मुशायरा मीडिया मुजीब भाई अरशद भाई शेरू भाई की दुआएं चाहते हुए शेर हाजिर करता हूँ। दीन से दूरी जो बनाएगा। क्या बात है। दीन से दूरी जो बनाएगा एक पल भी सुकून न पाएगा। बेशक। क्या बात। एक पल भी सुकून न पाएगा जिसने भी माँ का दिल किया रुसवा, जिसने भी माँ का दिल किया रुसवा, दर बदर ठोकरे वो खाएगा, दर बदर ठोकरे शुक्रिया। बहुत खूब दोस्तों। अभी तक तो मैं नर्म लहजे में अदब की बात कर रहा था, अब आइए अपने पुराने तेवर में आता हूँ, जिसके लिए मैं जाना पहचाना जाता हूँ। ग्यास भाई माला पहना रहे हैं, आप सब एक बार जोरदार ताजियत बजा दीजिए। दरअसल में बच्चे रिकॉर्डिंग में लगे हुए, जो तालियां बजाने का काम देख रहे थे अब तक वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक तो मैं नर्म लहजे में अदब की बात कर रहा था, अब आइए अपने पुराने तेवर में आता हूँ, जिसके लिए मैं जाना पहचाना जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से मुशायरा कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाकर मेरी हौसला अफजाई फरमा लें। मैं शेर हाजिर करता हूँ। हमारे मुल्क का कानून भी एकदम निराला है। क्या बात है। हमारे मुल्क का कानून भी एकदम निराला है, हमारे मुल्क का कानून भी एकदम निराला है, जो इंटर फेल बैठा है। खामोश क्यों हो। समझिएगा दोस्तों, जरा एक बार मचल करके आप लोग समझ नहीं पाए। मचल कर तालियां बजा दो। पहुंच नहीं पाए वहां तक जहां से सुफियान साहब ने बात कही थी। हमारे मुल्क का कानून भी एकदम निराला है, जो इंटर फेल बैठा है वो शिक्षा मंत्री
क्या बात है। किस अच्छा ई के दर्पण में हाँ चल क्या बात है। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब रंग में आ रहे हैं सुफियान साहब। दोस्तों जब से आसाराम बापू चर्चे में आए हैं। क्या बात है। आसाराम का नाम सुनते ही लोगों की तालियां अपने आप निकलने लगी। बच्चे गांधी जी का नाम ही भूल गए। दोस्तों कल मेरा हिंदी का पेपर था तो उसमें एक सवाल आया कि बापू जी का पूरा नाम क्या था। जैसे ही मैं बाहर आया अपने दोस्तों से पूछा, अपने दोस्तों से बातचीत की, तब पता ये चला कि गांधी की बापू जी का पूरा नाम आसाराम बापू। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास। ना तो आसाराम जैसा, ना तो क्या बात है। साधु बन के निकले गे, ना तो आसा राम जैसा साधु बन के निकले गे। क्या बात है। ना तो शेर सिंह जैसा डाकू बन के क्या बात। होश में रहो योगी, होश में रहो संजय, होश में रहो योगी, होश में रहो योगी, वरना हाथ में लेकर लेकर तलवार। मुल्क के मेरे बच्चे टीपू बन के निकले। क्या बात है। बहुत खूब। बच्चे टीपू बन के निकलेंगे। बहुत खूब बेटा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए नौजवानों के हवाले से चार मिश्रे हाजिर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे पढ़ने के बाद आप सब व्हाट्सएप फेसबुक पे भेजना शुरू कर देंगे। यकीन है। बतौर खास अच्छा नहीं है तेरा। क्या बात है। अच्छा नहीं है तेरा यूं छत पे आना जाना, अच्छा नहीं है तेरा। क्या बात है। छत पे आना जाना, अच्छा नहीं है
सरहद पे आना जाना बाले उमर है तेरी। क्या बात है। बाली उमर तेरी अभी खुद को तुम बचाना। बाली उमर तेरी, बाली उमर तेरी अभी खुद को तुम बचाना। बहुत अच्छा मस्करा दे रहे। नजरों से तीर अपनी अभी मुझ पे मत चलाना। नजरों से दोस्तों सुफियान साहब बता रहे हैं कि मुशायरों के दौरान इन पर तीर चलाए भी जाते हैं। नजरों से क्योंकि मैंने कई बार फेसबुक पर इनको देखा रुखसार बलरामपुरी के साथ। नजरों से तीर अपनी अभी मुझ पे मत चलाना। दोस्तों आइए आखिरी चार मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। सियासत पढ़िए। सियासत की पतंग उड़ रही है आसमानों में। क्या बात है। सियासत की पतंगे उड़ रही हैं आसमानों में। सियासत की पतंगे उड़ रही है आसमानों में। सियासत की पतंगे उड़ रही है आसमानों में। सभी भक्तों के हाथों में तो अब नफरत का धागा है। सभी भक्तों के हाथों में अब नफरत का धागा है। सभी भक्तों के हाथों में तो अब नफरत का धागा है। भक्तों तक पहुंचिएगा दोस्तों। अगर कानून की डोरी तुम्हारी सख्त है तो फिर, अगर कानून की डोरी तुम्हारी सख्त है तो फिर विजय माल्या। क्या बात। विजय माल्या भारत छोड़ करके कैसे भागा है। क्या बात है। जिंदाबाद। बहुत खूब सुफियान साहब। अगर दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि वो फिर आएंगे। ये केवल मौलाना साहब का हुक्म था इसलिए अब आप सबके आप सब पर जाती है बात कैसे भागा है। आप सब बैठे हैं और कैसे भागा। दोस्तों आराम कर ले दीजिए। मैंने पहले ही कहा है। दोस्तों एक मिनट रुकिए। देखिए फहरिस्त बहुत तवील है। फहरिस्त बहुत तवील है। हमारी फहरिस्त में 19 नाम है जिसमें से अभी हमें 12-13 नाम ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाना है। दोस्तों सुफियान साहब खुद आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप सब दोबारा सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे हुक्म दें। ऐसे नहीं, जिस मोहब्बत के साथ आप सबने मुझे बुलाया है उस मोहब्बत के साथ तालियां बजाइए। बेसबब जुबान अपनी हम कभी न खोलेंगे। बेसबब जुबान अपनी दिल में जहर नफरत की हम कर...
क्या बात। योगी हो तो गड़ी चढ़ के इनके सीने पर, चढ़ के इनके सीने पर लाई लाम बोलेंगे, इनके सीने पर लाई लाम बोलेंगे। दोस्तों आइए चार मिसरे और हाजिर करता हूँ, आता और खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। मुस्लिम भाई की दुआएं चाहते हुए शेर हाजिर करता हूँ। इरशाद। रोज नए तूफान उठाए जाते गए, रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं, रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं, भुलाए जाते हैं, हमने भी तुमने भी सबने भी हमने भी गुलशन को लगों से सींचा है, क्या बात, हम पर वाह, हम पर ही इल्जाम लगाए जाते हैं, हम पर ही इल्जाम लगाए जाते हैं, हम पर ही इल्जाम लगाए जाते हैं, क्या बात। हवाएं नफरतों की चल, क्या बात है, हवाएं नफरतों की, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की, नफरतों चल की रही चल है रोज भारत में, रही है रोज भारत में, मोहब्बत मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, क्या बात, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, गुजारिश गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो, क्या बात। सुफियान साहब ये इनाम लेते जाइए, माननीय संजय पांडे जी ने 500 रुपए दिए हैं और इश्तियाक प्रधान कुटिलिया ने भी 500 रुपए दिए हैं, अपना इनाम लेते जाइए, आपके हौसला अफजाई के लिए